सब्सक्राइब ना और वीडियो को एंड तक देखना। रात के 2 बज रहे थे। पीटर, जो कि एक उबर कैब ड्राइवर था, अपनी कार में बैठा बस अपनी आखिरी ड्यूटी का वेट कर रहा था। रात बहुत हो चुकी थी और उसे बहुत जोर से नींद भी आने लगी थी। इंतजार करते करते उसकी आंखें लगने ही वाली थी कि उसका फोन बज उठा। किसी ने पास में ही एक टैक्सी बुक की थी। पीटर ने अपनी नींद भगाने के लिए मुंह पर पानी के छींटे मारे और पिकअप लोकेशन की तरफ ड्राइव करने लगा। लोकेशन कुछ 1.5 किलोमीटर ही दूर थी। डायरेक्शंस के हिसाब से चलते हुए पीटर ने एक लेफ्ट टर्न लिया, लेकिन लेफ्ट टर्न लेते ही पीटर के आगे एक सुनसान सा रास्ता आ गया। उस रास्ते की सड़क थोड़ी कच्ची थी और उस पर अंधेरा ही अंधेरा था, पर पीटर बस अपने दिन की आखिरी राइड पूरी करके घर जाना चाहता था, तो वो बिना कुछ सोचे उस रास्ते पर ड्राइव करता रहा। बुकिंग किसी राजीव के नाम से थी, पर पिकअप लोकेशन के पास पहुंचते ही पीटर को एक लड़की दिखाई दी, नीले रंग की सुंदर सी वेस्टर्न ड्रेस पहने। उस लड़की ने पीटर को अपने हाथ के इशारे से रोका। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की किसी लेट नाइट पार्टी से आ रही है या किसी पार्टी में जा रही है। वो लड़की गाड़ी की पिछली सीट पर नहीं बल्कि फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। पीटर को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि अक्सर जब पैसेंजर्स अकेले होते हैं तो वो पीछे वाली सीट पर ही बैठते हैं, खासकर लेडी पैसेंजर्स। पर पीटर ने इस बात को नजरअंदाज किया और ट्रिप स्टार्ट कर दी। उस लड़की की ड्रॉप लोकेशन 7 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल की थी। हॉस्पिटल का एड्रेस देखकर पीटर से रहा नहीं गया और उसने लड़की से पूछा कि वो इतनी रात को हॉस्पिटल क्यों जा रही है, क्या सब ठीक तो है। पहले तो उस लड़की ने पीटर को अनसुना कर दिया और उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ दूर जाकर उसने कहा, मेरे हस्बैंड उस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सुनकर पीटर को उस लड़की के लिए हमदर्दी महसूस हुई। गाड़ी में बैठी वो लड़की बिल्कुल चुप होकर बस खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। पीटर को समझ आ गया कि वो लड़की परेशान है और शायद इसीलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही है। पीटर भी उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बोला और गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर बाद उस लड़की ने फिर से कहा, आज ही के दिन 2 साल पहले मैं और राजीव ऐसे ही एक रात एक पार्टी से वापस आ रहे थे। बहुत खुश थे हम। उस दिन भी हमने एक कैब ली थी, लेकिन इतना कहकर वो लड़की चुप हो गई। पीटर ने कहा, लेकिन क्या? पर वो लड़की कुछ नहीं बोली। पीटर थोड़ा घबराते हुए उसी की तरफ देख रहा था कि अचानक पीटर का ध्यान गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ा और उसके होश उड़ गए। वो लड़की रियर व्यू मिरर में दिख ही नहीं रही थी। ये देखने के बाद पीटर के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसके साथ जो लड़की बैठी थी वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि शायद एक भटकती आत्मा थी। पीटर ने अपने बौखलाए और बेचैन मन को किसी तरह शांत कराया और हिम्मत से काम लिया। उसने एक तरकीब सोची। पीटर ने अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। एक जोर के झटके से गाड़ी रुकी तो वो लड़की पीटर को गुस्से से देखने लगी।
फिर डरते हुए पीटर गाड़ी से उतरा और गाड़ी चेक करने लगा। उसने सोचा कि वो बोल देगा कि गाड़ी खराब हो गई है और फिर वो उस लड़की को दूसरी गाड़ी में बिठा देगा। लेकिन जब वो वापस मुड़ा तो वो लड़की उसकी गाड़ी में थी ही नहीं, बल्कि वो आसपास कहीं नहीं दिख रही थी। पीटर को अब बहुत डर लगने लगा था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और अपनी कार स्टार्ट करके वहां से तेजी से निकल गया। उसे बस अब जल्द से जल्द घर पहुंचना था। लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के सामने वही लड़की आ गई। पीटर ने जैसे ही गाड़ी रोकी, उस लड़की का रूप बदल गया और वो एक भयानक चुड़ैल बन गई। पीटर ने फिर हिम्मत की और गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो गाड़ी को उस चुड़ैल के आर पार ले गया। पीटर अपनी गाड़ी लगभग 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर भगा रहा था। कुछ ही पल बाद जब पीटर ने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो वो सुन पड़ गया, वो लड़की उसकी गाड़ी के पीछे आ रही थी। पीटर जितनी भी स्पीड बढ़ा रहा था वो उतनी ही तेजी से पीटर के पीछे पीछे आ रही थी। पीटर इतना घबरा उठा कि उसने पीछे देखना ही बंद कर दिया। लेकिन वो चुड़ैल पीटर के बगल में आकर उड़ने लगी। उसने पीटर को एक बहुत ही डरावनी नजर से देखा और पीटर का स्टीयरिंग व्हील पर से कंट्रोल हट गया। उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और पीटर सीधा एक डिवाइडर से जा टकराया। ताज्जुब की बात यह थी कि उस डिवाइडर के सामने ही वो हॉस्पिटल था जहां उस लड़की की ड्रॉप लोकेशन थी। पीटर के एक्सीडेंट की जोरदार आवाज सुनकर हॉस्पिटल के कुछ लोग दौड़े दौड़े पीटर के पास गए। पीटर जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था और वो चुड़ैल वहां से गायब हो चुकी थी। पीटर को उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब पीटर को होश आया तो एक दिन उसने हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा कि क्या कोई राजीव नाम का आदमी वहां एडमिट है। तो वहां की एक नर्स ये सुनकर थोड़ी चौंक उठी। उसने पीटर की पूरी कहानी सुनकर उसने पीटर को बताया कि 2 साल पहले उसी रात जिस रात पीटर वहां एडमिट हुआ था, राजीव नाम के एक आदमी का पीटर की तरह ही एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो और उसकी वाइफ दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे। राजीव तो नहीं बच पाया था लेकिन उसकी वाइफ को डॉक्टर्स ने बचा लिया था। उस नर्स ने पीटर को यह भी बताया कि राजीव की वाइफ कहती थी कि जिस रात उनका एक्सीडेंट हुआ था उस रात उन्होंने एक कैब ली थी और वो कैब ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उन्होंने जब उसे गाड़ी रोकने के लिए बोला तो वो बदतमीजी करने लगा और उसी कहा सुनी में उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। कुछ समय बाद पता चला कि राजीव की मौत का सदमा उसकी वाइफ पर कुछ इस तरह बीता कि उसकी वाइफ ने भी एक गाड़ी के सामने आकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर पीटर का दिल कांप उठा। वो शराबी कैब ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि उसका सगा भाई था जो उस एक्सीडेंट के बाद अपाहिज हो गया था। उसे नहीं पता था कि उसके भाई की वजह से 2 लोगों की जाने जा चुकी हैं। उसे समझ आ गया था कि उसके एक्सीडेंट की रात वो जिस औरत से मिला था वो राजीव की पत्नी की आत्मा थी और शायद वो उसे अपने भाई के किए का बदला ले रही थी। उस रात पीटर की जान तो बच गई लेकिन उस रात के बाद से पीटर ने फिर कभी कैब नहीं चलाई, क्योंकि पीटर शायद ही कभी अपने साथ हुआ ये भयानक हादसा भूल पाएगा। हाय गाइज, लास्ट फ्राइडे हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पर किया था एक कॉन्टेस्ट और विनिंग प्राइज था डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन और उस कॉन्टेस्ट के विनर हैं अक्षय। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी अक्षय की तरह गिवअवेज जीतना चाहते हैं तो अभी फॉलो करिए हमारा इंस्टाग्राम पेज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू खूनी मंडे। हिट द बेल आइकन।